प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। हाय, सो आज आप लोगों ने देखा ही होगा हमेशा मेरे सलून टाइम में कि सेलेब्स आते हैं, चिल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन इस बार मेरे सलून टाइम में कुछ खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस बार हम लोग करने वाले हैं किसी का मेकओवर पूरी तरह, और वो है बिग बॉस की एक ऐसी स्टार जो बहुत जल्द बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है, मतलब विकास उनका साथ देने वाले हैं उनको स्टार बनाने में। तो चले जानते हैं आज टैनी मसाला करने वाला है किसका मेकओवर मेरे सलून टाइम में। ओके, सो मैं जिसकी बात कर रही हूँ उनका नाम यहाँ पे वेलकम किया गया है। सो आपने देख लिया मैं जिसकी बात कर रही हूँ, वो वहाँ पे फिलहाल डॉक्टर के साथ ऑलरेडी बैठी हैं और बातें कर रही हैं, तो चलो मिलते हैं। सो यहाँ पर ज्योति है मेरे साथ, कि मैं बात कर रही थी कि हम कुछ चेंजेस लाने वाले हैं ज्योति में। सो ज्योति, सबसे पहले तो नेहा के समुदाय में आपका स्वागत है। अच्छा ज्योति, सबसे पहले तो कितना प्लान करके आएंगे कि क्या क्या करवाना है? मेरा फर्स्ट टाइम है, तो अब डॉक्टर जो बता रही है मैं वही सुन रही हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। अरसी बेगम मुझे यहाँ लाई है अपना मेकओवर करवाने के लिए, तो देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, इतना तो मुझे पता ही है। अच्छा डॉक्टर ज़िबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या स्पेशल करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्योति के साथ कुछ स्पेशल। एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि ज्योति के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये करा रही है कुछ। तो हम एक्चुअली कार्बन फेशियल करने वाले हैं। यू विल सी अ न्यू ग्लो इन ज्योति, एंड ज्योति यू विल एंजॉय, डोंट वरी एट ऑल। ओके चलो तो फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं। चलो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा है सलून टाइम भी और आपके साथ भी, तो बहुत मज़ा आया, मज़ा आ भी रहा है। अच्छा जैसे कि आप इससे पहले डर रही थी यार कि आप क्या फेस पे होगा, आप लग रहा है सारा डर चला गया। हाँ बिल्कुल चला गया, रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ज्योति, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, जब आप बिहार में थी कैसी लाइफ आप उस समय फेस करती थी, क्योंकि अगर बिग बॉस में कोई आ रहा है तो वो पहले पास में कुछ किया होगा, तो ही तो कैसी लाइफ थी, मैं एक्चुअल में मैं कुछ जानना चाहती हूँ ज्योति कैसी लाइफ है। मैं मतलब जैसे एक आम लड़की रहती है, कॉलेज आती है, पढ़ाई करती है, बस यही, और बीच बीच में जैसे हम लोग कॉलेज में डांस वांस होता था तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, और ये था मेरा बचपन से कि मुझे टीवी में आना है, पर एक गाँव से हूँ वो भी बिहार से हूँ, तो सारे लोगों का कहना था कि कैसे तुम जा पाओगी, मैंने बोला हो जाएगा, मुझे भगवान पर भरोसा है। और मेरे ऐसे फेवरेट एक्टर तो ऋतिक रोशन है, पर मुझे शाहरुख खान का वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है, तो वही हो गया मेरे साथ। अच्छा, साजिश तो बहुत अच्छी रची गई थी, पर बिग बॉस का अगर ऑडिशन की मैं बात करूँ ज्योति, तो कैसे ऑडिशन दिया, क्या ऐसा कहा कि सिलेक्ट हुई आप? मेरा जैसे कि मेरा ये था कि लास्ट टाइम मैं ट्विटर हैंडल करती थी, तो मैंने देखा कि आज लास्ट डेट है बिग बॉस का ऑडिशन का, कि पूरे इंडिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए, तो मुझे लगा कि अरे पिछले सीजन में तो जितने लोगों को इन्होंने लिया था, मुझे कोई कॉमनर्स रियल में ऐसे नहीं लगे थे, कि मनु पंजाबी है जो पहले से आए हुए हैं मल्लिका सराफ के स्वयंवर में, ये वो, तो मैंने देखा, मैंने वही बोला कि आप बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आप कॉमनर्स को कितने कॉमनर्स को लेते हो, मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे लेते हो कि नहीं लेते हो। और बस मेरा शायद एक ही मैंने वीडियो लास्ट डेट ही भेजा था, 12 बजे ऑफलाइन होने वाला था, और मैंने शायद 10 बजे अपना वीडियो भेजा, एक ही भेजा, और बस यही, मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था कि मेरा नाम क्या, मैं बिहार के गाँव से हूँ, बस मैंने इतना बताया था और मैंने सेंड कर दिया, शायद 1.5-2 मिनट का ही था, और बस फिर कॉल आ गया एक मंथ बाद। अच्छा जैसे जो जब फर्स्ट कॉल आया कि बिग बॉस मुझसे आपको आया है कि आप घर में जाए, बिलीव हुआ था, घर वाले को कैसे समझाएंगे अब मैं सच में जा रही हूँ बिग बॉस हाउस में? जैसे ही कॉल आया मुझे लगा कोई फेक है मेरे साथ मस्ती कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले बार भी मैंने अपना वीडियो डाला था, तो मुझे लगा कि कोई मेरे फ्रेंड लोग हैं वही मस्ती कर रहे हैं कॉल करके कि हाँ मैं मुंबई से बिग बॉस से आपका शॉर्टलिस्ट हो गया,
तो मैंने तो इतना उसको परेशान किया, हर बार कॉल करके उसने बोला कि आपका शॉर्ट लिस्ट हो गया है वीडियो बिग बॉस के लिए। तो मैंने बोला कि देख भाई मजाक मत कर, पहले सच सच बता। तो उसने बोला मैं अपना पूरा एंडोमोल का उसने बताया कि ये है, आप जाके चेक करो, ये करो वो करो। मैंने इतनी जासूसियाँ की उसके बाद, तब मैं इतनी चिल्लाई, पूरी मेरी फैमिली खुश हो गए थे। उसके बाद चलो आपका ऑडिशन कोलकाता में, मैंने ठीक है। फिर 7 तारीख को, 7 अगस्त को मेरा कोलकाता ऑडिशन था, रक्षाबंधन के साथ एक दिन बाद था। ज्योति, अच्छा बिग बॉस हाउस में गई, आई नो ये सवाल सब लोग ने पूछा है कि इतनी लाइफ बदली है, क्या बदला है, पर ज्योति सच में सोचा था कि बिग बॉस हाउस से बाहर निकलने के बाद जो दोस्त आपके घर के अंदर बने वो सच में बाहर जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेब्स थे, एक बड़ा पहचाना हुआ नाम था, पर घर से बाहर निकलने के बाद भी वो ऐसी ज्योति के साथ रहना पसंद करेंगे जो बिहार से, जिनका कोई नाम फेम नहीं है, ये डर था कहीं ना कहीं कि बाहर निकलने के बाद ये रिश्ते रहेंगे या नहीं? एक आदमी है जिस पर मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि रिश्ते रहेंगे, क्योंकि वो विकास भाई है, क्योंकि मैंने उनको देखा कि मेरे निकलने के बाद भी जो मेरा बोतल था और मेरा नाम ज्योति लिखा हुआ था वो अपने बेड के बगल में रखे हुए थे। तो जब तक उनका जर्नी था वो उनके बेड के बगल में वो बोतल रखा हुआ था, तो मुझे पक्का यकीन था कि ये बंदा भाई मुझे नहीं छोड़ेगा कभी भी नहीं, और वैसा हुआ भी। और जैसे अरसी का था कि पता नहीं, इनसे मुझे घर में पता नहीं था, कुछ भी नहीं बनता था, पर बाहर आके इनसे भी दोस्ती बहुत अच्छी रही, तो ये है। अच्छा, जैसे ज्योति विकास जब बाहर निकले, कितने टाइम बाद आप दोनों की बातें हुई कि तुरंत हो गई? तुरंत हो गई, जैसे उनको मेरा नंबर पता चला, कॉल किया, क्या छुटंकी कैसी है, मुझे तो रोना आ गया था, खैर मैं इतना वेट कर रही थी उनका एक बात करने के लिए। तो जैसे वो निकले मेरा नंबर पता चला, फौरन उन्होंने मुझे कॉल किया। आपने कहा कि आप सीरियल बहुत देखती, मतलब आप टीवी बहुत देखना पसंद करती, तो ज्योति किस तरह का कैरेक्टर अगर आपको ऑफर हो तो एक होता है माइंडसेट होता है कि मुझे इस तरह का रोल में सबसे पहले आजमाना चाहूंगी अपनी जिंदगी। जैसे क्वीन मूवी में कंगना रनौत थी, वो अकेले एक मतलब गांव से नहीं दिल्ली से वो गई थी लंदन, सेम उसी टाइप का मुझे रोल मिले तो मैं पक्का करने वाली हूँ। ज्योति वैसा करने वाली। ज्योति, ऐसा कौन सा ऐसा रोल है जो आप अपनी लाइफ में कभी भी ट्राई करना चाहेंगी, क्योंकि एज एक्ट्रेस एक होता है कि मैं ये रोल कभी ना करूं? जैसे ऐसे तो बैम भी सीरियल में, उन्हीं की वजह से सीरियल चलती है, पर उन्हीं की वजह से चलती है, पर एक बार जो आ गए बैम के रोल में, उनको हमेशा बैम के रोल ही मिलता है, तो मैं पर उसी की वजह से सीरियल चलती भी, क्योंकि वो तड़का जो लगाती हैं तो ही सीरियल चलती है, तो उस टाइप का मैं रोल नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, जैसे कि हम शोज की बात कर रहे हैं, तो ज्योति कौन सा ऐसा शो है जो आप रेगुलर बेस हमेशा फॉलो करती थी? बिग बॉस हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, बिग बॉस तो मेरा फेवरेट है, मैं जब से मेरे मतलब मैं याद है मैं जब से बिग बॉस ही देख रही हूँ। अच्छा, और बिग बॉस का पार्ट भी बनी। और जैसे मैं अगर हिना खान की बात करूँ तो सब बाहर निकले, हिना भी बाहर निकली, हिना से बात हुई है? नहीं, हिना खान से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। अच्छा, जबकि लास्टली मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लाइफ में ऐसी आगे बढ़ती जाए, भले मेक ओवर हो या ना, आप अपने आप को कभी नहीं बदलना एज अ ह्यूमन बीइंग। क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को जो इस ज्योति को बहुत प्यार करते हैं? आपने एक गांव की लड़की को बहुत प्यार किया, ये नहीं देखा कि ये लड़की मेकओवर करने के बाद कैसी थी और पहले कैसी थी, तो आपने जिस तरह मुझे पहले प्यार किया अभी भी उसी तरह मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, थैंक यू सो मच। ज्योति, कैसा लगा आपका हमारे? बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए पहली बार था तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि आगे आपसे ऐसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाती रहूँ। आपका स्किन का मेकओवर तो कंप्लीट हो गया है, क्यों नहीं? हाँ, एकदम सही, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, स्किन इज ग्लोइंग, इट्स लुकिंग अमेजिंग, बट यू हैव टू कम रेगुलर, हर महीने आपको आना है, स्किन के लिए कुछ तो मेंटेनेंस करना पड़ता है, ठीक है? और क्यूटिस की तरफ से हमारे आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच।